हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीषा और आज हम शुरू करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज की। दो पेपर हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। सबसे पहले हम पेपर वन को कवर करेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक को वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जैसे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट मेनली गवर्नमेंट लेड होती है, डेवलप्ड वर्ल्ड में ये गवर्नमेंट लेड नहीं होती है मेनली। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट के गोल्स को रियलाइज करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। एज अ गवर्नमेंट एक्टिविटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो पॉलिसी डिसीजन या जो गोल सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए होती है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रहा है एज अ गवर्नमेंट एक्टिविटी। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी ऑलवेज अट्रैक्टेड स्कॉलर्स अटेंशन। स्कॉलर्स मतलब बहुत सारे विद्वानों ने, अगर आप प्राचीन इतिहास को देखो या मध्यकालीन को देखो या फिर मॉडर्न को देखो, सो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर भी लिखा है, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी। बट एज अ फील्ड ऑफ एकेडमिक स्टडी जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट, इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली वेस्ट के अंदर डेवलप हुआ है। वेस्ट के अंदर मतलब अमेरिका एंड यूरोप के अंदर ज्यादा डेवलप हुआ है। तो स्टार्टिंग में दो सिस्टम डेवलप हुए थे, फर्स्ट एंग्लो अमेरिकन और फ्रेंच। एंग्लो अमेरिकन मेनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस्ड था और फ्रेंच जो है वो ज्यादातर ऑटोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस्ड था, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वो नेपोलियन ने रखा था। बट आज के दिन वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वेलफेयर स्टेट मीन्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का बढ़ना, और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का बढ़ना तो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो वुड्रो विल्सन ने अपना एसे लिखा था 1887 के अंदर, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है एज ए अकेडमिक फील्ड और अकेडमिक स्टडी के तौर पर। सो डेफिनेशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं, फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश गोल्स, मतलब कुछ लोग मिल करके एक टारगेट है उनका, उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ग्रुप है लोगों का, कोऑपरेट कर रहे हैं वो किसके लिए, टू अकम्प्लिश देयर गोल्स या अकम्प्लिश गोल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज के साथ डील करता है। सो दैट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच पर्टेन्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट्स। वुड्रो विल्सन जो कि फाउंडिंग फादर भी माने जाते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी माने जाते हैं, उनका क्या कहना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून का जो रूल है उनका सही तरीके से और डिटेल्ड एप्लीकेशन ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कानून को लागू करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। कॉरसन एंड हैरिस ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के काफी सारे काम होते हैं, जैसे डिसाइड करना, प्लानिंग करना, पॉलिसीज बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली एक्शन पार्ट से डील करती है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट से डील करती है। द मीन्स बाय विच द पर्पज एंड गोल्स ऑफ गवर्नमेंट आर रियलाइज्ड। पर्सी मैक्वीन ने क्या कहा था कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, वेदर लोकल और सेंट्रल। उसने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट का काम है उन सब, चाहे वो लोकल हो चाहे वो सेंट्रल है, उन सब का जो ऑपरेशन है, गवर्नमेंट वर्क है, वो सारा का सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। अगर हम टोटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहें आसान लैंग्वेज के अंदर, इजी लैंग्वेज के अंदर, तो क्या है ये, फर्स्ट इट इज द नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ऑपरेटिंग इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इसके चारों तरफ पॉलिटिकल सिस्टम है लेकिन बीच में ये है, लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल है, मतलब पॉलिटिसाइज्ड नहीं है। डील्स विद एंड ऑफ स्टेट द सोवेरियन विल द पब्लिक इंटरेस्ट एंड लॉ, मतलब ये सरकार का काम करती है,
जो जनता चाहती है सरकार से वो काम करती है, द सोवेरियन विल एंड द पब्लिक इंटरेस्ट इन लॉ. इज द बिजनेस साइड ऑफ गवर्नमेंट मेनली कंसर्न विद पॉलिसी एग्जीक्यूशन बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पॉलिसी मेकिंग. मेनली जो अर्लियर व्यूज थे, अर्लियर थिंकर्स के व्यूज थे, वो ये थे कि गवर्नमेंट का जो काम है पॉलिसी एग्जीक्यूशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं तक सीमित है. बट आज के दिन ये व्यू ज्यादा मायने नहीं रखता. आज के दिन पॉलिसी मेकिंग में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ही रोल है जितना पॉलिसी एग्जीक्यूशन में भी है. फोर्थ पॉइंट है कि इट कवर्स ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीनों की तीनों ब्रांचेस इसमें आ जाती है. ऑल्दो इट टेंड्स टू बी कंसंट्रेटेड इन एग्जीक्यूटिव, मेनली एग्जीक्यूटिव की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बट इसके अंदर तीनों ब्रांचेस आ जाती है गवर्नमेंट की. प्रोवाइड्स रेगुलेटरी एंड सर्विस फंक्शन टू पीपल इन ऑर्डर टू अटेन गुड लाइफ. सिर्फ डेवलपमेंट का ही काम नहीं है इसका, रेगुलेशन का भी काम है. लैंड ऑर्डर को भी मेंटेन करती है और सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज हो गया, ये सब. डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इन इट्स एम्फेसिस ऑन पब्लिक, कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेनली अपने बिजनेस मोटिव से काम करती है और गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर का. सो इट ऑब्वियसली डिफर फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब कि ये अकेली नहीं है, अकेली काम नहीं करती है. इट अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स एंड इट ऑल्सो अफेक्ट पॉलिटिक्स, मतलब ये पॉलिटिक्स को अफेक्ट भी करती है और पॉलिटिक्स से अफेक्ट भी होती है. ऐसे ही लॉ है, सोशियोलॉजी है, इन सारे और भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इन सबसे ये रिलेटेड भी है और इन सबको ये अफेक्ट भी करती है. तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए दो व्यू हैं. फर्स्ट है इंटीग्रल व्यू और दूसरा है मैनेजेरियल व्यू. इंटीग्रल व्यू मतलब सारा कुछ इंटीग्रेटेड है, सब कुछ आ गया इसके अंदर. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सारी की सारी जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो मैनुअल है, क्लरिकल है, मैनेजेरियल है, सारी की सारी एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन है, विच आर अंडरटेकन टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस व्यू के सपोर्टर कौन है, हेनरी फ्योल है, एलडी वाइट है और बहुत सारे मेन ये है. एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू दिस व्यू. मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस के लिए काम कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उन दोनों के काम में फर्क आएगा, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी फर्क आएगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्फेयर के अंदर काम कर रहे हैं. दूसरा जो व्यू है वो है मैनेजेरियल व्यू. मैनेजेरियल व्यूज के अंदर क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ जो मैनेजेरियल एक्टिविटी होती है, जैसे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, ये ही एक्टिविटीज को एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया है, न कि सारी एक्टिविटीज को, जैसे मैनुअल है, क्लरिकल है. इंटीग्रल व्यू के अंदर एक चौकीदार से लेकर के एक अफसर तक जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जबकि मैनेजेरियल व्यू के अंदर जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के काम जो है वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं. इसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन का काम है काम करवाना, न कि काम करना. सो गेटिंग थिंग्स डन, नॉट डूइंग थिंग्स. इसके सपोर्टर हैं ल्यूथर ग्यूलिक हैं, हर्बर्ट साइमनसर और भी बहुत हैं. एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट डिफर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, ऑब्वियसली, क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम रहता है, वो डिफर नहीं करता है. तो ये इंटीग्रल व्यू है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सारे मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं. इसमें सबका काम बराबर है, कोई भी, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उन सबका काम एक जैसा है. और मैनेजेरियल व्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बंदे का काम जो है वो काउंट होता है, एक बंदे का काम हाईलाइट होता है, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. तो इंटीग्रल व्यू मतलब सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑल पर्संस वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजरियल व्यू के अंदर सिर्फ मैनेजर का काम ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काउंट किया जाता है. स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो हम बात करते हैं सबसे पहले एज एन एक्टिविटी और एज ए डिसिप्लिन. एक्टिविटी मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटी, तो ये वाइडर टर्म है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं. बट एज ए डिसिप्लिन दो व्यूज हैं, फर्स्ट है पोस्ट कॉर्प और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू. तो पोस्ट कॉर्प को समझते हैं. पोस्ट कॉर्प कि आप अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग,
कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग में क्या आता है कि सब कुछ डिसाइड करना, कैसे काम होगा और कौन से तरीके अपनाना है, प्लान करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी के एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना, स्टाफिंग के अंदर जितने भी उनको पर्सनल चाहिए होती है उनको रिक्रूट करना और उनको ट्रेन करना, डायरेक्टिंग के अंदर डिसीजन लेना और ऑर्डर इश्यू करना, कोऑर्डिनेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो वर्क हो रहा है उन सबको इंटर रिलेट करना, रिपोर्टिंग के अंदर अपने सुपीरियर को बताना है कि क्या चल रहा है, और बजटिंग के अंदर फिस्कल प्लानिंग, कंट्रोल एंड अकाउंटिंग आ जाता है। सो इट इज पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प ल्यूथर गुलिक के अकॉर्डिंग पोस्ट कॉर्प एक्टिविटीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। सो बस पोस्ट कॉर्प एक्टिविटी नाइदर द होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, एंड दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस व्यू। इट ओवरलुक द फैक्ट दैट डिफरेंट एजेंसी फेस्ड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब जो डिफेंस वर्क, डिफेंस फील्ड में काम करती है, उस एजेंसी का वर्क एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट से बहुत अलग होगा, तो इनकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होंगी। बट पोस्ट कॉर्प व्यू के अंदर ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया, एंड इट ऑल्सो इग्नोर स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, no reference to formulation and implementation of policy, therefore scope of administration is defined very narrowly, being too inward looking and too conscious of top management। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, टॉप मैनेजमेंट तक सीमित है, और टॉप मैनेजमेंट तक ही हमारा कौन सा व्यू सीमित था जब हमने नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, वो क्या था, मैनेजीरियल व्यू। तो मतलब पोस्ट कॉर्प और मैनेजीरियल व्यू क्या कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट से डील करते हैं ये। Now come to the subject matter view. According to this view, public administration deals not only with administrative techniques such as post corp, but also deal with substantive field of administration such as defense, police, social welfare and so on. मतलब जिस फील्ड के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उस फील्ड से भी ये डील करता है, उस सब्जेक्ट से भी ये डील करता है, सिर्फ मैनेजर का काम ही नहीं है ये। The knowledge of subject matter which an administration of that department is concerned is very essential for the effective administration of that agency. For example, एक organization tribal peoples के लिए काम कर रहा है और एक organization urban peoples के लिए काम कर रहा है, तो क्या दोनों का काम सेम होगा? नहीं, दोनों का काम different होगा, तो उनकी problems भी different होंगे, उनके लिए challenges भी different होंगे। So this is subject matter view. In conclusion, both administrative technique as well as expertise in the substantive field have equal importance of public administration. देखिए, scope of public administration हम deal जब पढ़ते हैं, deal करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक view perfect है, ना तो post scope perfect है, ना ही subject matter perfect है। जब हम इन दोनों techniques को और expertise को साथ में लेकर के चलते हैं, तभी इन दोनों, ये जो है public administration का scope जो full decide करते हैं। तो in words of Lewis Merriam ने कहा था कि the public administration is an instrument with the two blades like a pair of scissors. मतलब कैंची के दोनों ब्लेड्स की तरह है। वन ब्लेड में भी नॉलेज ऑफ दैट फील्ड कवर्ड बाय पोस्ट कॉर्प एंड अदर ब्लेड इज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन विच दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड। मतलब एक जो ब्लेड है वो क्या है, पोस्ट कॉर्प का है, तो दूसरा ब्लेड सब्जेक्ट मैटर का है, एंड बोथ ब्लेड्स मस्ट बी गुड टू मेक एन इफेक्टिव टूल। दोनों के दोनों ब्लेड्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी ब्लेड अच्छा नहीं होगा तो सीजर अच्छे से काम नहीं करेगी। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसके लिए ये दोनों व्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम हर्बर्ट साइमन की एक बात को कोट करते हैं यहाँ पर। सो एज ऑब्जर्व्ड बाय हर्बर्ट साइमन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। उनके दो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं, पहला है कि डिसाइड करना और दूसरा काम को करना। पहले तो हम सोचेंगे ना कि हमें करना क्या है, एंड देन विल डू। सो द फर्स्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सेकेंड। वन कैन नॉट कंसीव ऑफ एनी डिसिप्लिन विदाउट थिंकिंग और डिसाइडिंग। कोई ये तो नहीं सोच, बिना सोचे तो कोई काम नहीं करता ना, पहले सोचते हैं फिर कोई काम करते हैं। सो दस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉड रेंजिंग एंड अमॉर्फस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब ब्रॉड रेंजिंग है, इसका नैरो व्यू नहीं है, और ये थ्योरी और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, नेमली डिसाइडिंग एंड डूइंग थिंग्स। द फर्स्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सेकंड। वन कैन नॉट कंसीव ऑफ एनी डिसिप्लिन विदाउट थिंकिंग और डिसाइडिंग। दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रॉड रेंजिंग एंड अमॉर्फस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थैंक यू, एंड इट इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी, मनीषा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं कल।